Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सभी को रमादान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कैसे आपके रोज़े जा रहे हैं और किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ यूके में वेदर इस बार काफ़ी ठीक है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अराउंड आई थिंक 19 और 20 आवर्स का यहाँ पर फास्ट हो जाता है, क्योंकि समर टाइम चल रहा है तो दिन जो है वो काफ़ी लंबा रहता है। और बस ये है कि गर्मी ज़्यादा नहीं है तो एटलीस्ट प्यास को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। बट इट्स रियली हैट्स ऑफ टू यू गाइज के बिना कुछ खाए पिए इतने लंबे टाइम तक रहना। बट समहाउ आई फील जब आप इस तरह से लाइक प्रेयर करते हैं, इबादत करते हैं, किसी चीज़ में अपना इस तरह से मन लगाते हैं, किसी अच्छे काम में, तो शायद वो अंदर खुद से एक एनर्जी आ जाती है और एक दो दिन के बाद वो रूटीन सेट हो जाता है। बिकॉज आई नो सो मैनी पीपल एट माई वर्क प्लेस जो लोग इस तरह से रोजे रखते हैं और बोलते हैं कि एक दो दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है, पता भी नहीं लगता है। तो फिर भी मैं यही कहूँगी, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, बहुत टफ रहता है। खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन बिना पानी के रहना इट्स रियली रियली सो टफ। खैर, मुझसे ज़्यादा आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोग अच्छे से रखते हैं, क्योंकि फास्ट हमारे भी होते हैं लेकिन हमारे डिफरेंट होते हैं। हम लोग पानी पी लेते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी खा लेते हैं, लेकिन आप लोगों के बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, सीरियसली। सो आज की जो वीडियो है वो एक गेट टुगेदर है, या फिर आप इसको एज अ इफ्तार पार्टी भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में या इसमें सिर्फ मेन कोर्स ही मैंने बनाया है, मैंने कोई स्टार्टर या ड्रिंक वगैरह नहीं बनाई है। अगर आप इफ्तार पार्टी जो है वो होस्ट कर रहे हैं तो रोज़ा खोलने के लिए आप ड्रिंक बना लें और उसके साथ थोड़े बहुत स्नैक जो है वो रख लें। और ड्रिंक्स की वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पर है, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और स्नैक्स की तो आई कांट टेल यू कि कितनी सारी वीडियोज़ हैं चैनल पर, तो जितनी भी अवेलेबल है मैं सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप चाहे तो वो चेक कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर मेन कोर्स बनाया है और ये एक गेट टुगेदर के लिए भी आप इस मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं, इफ्तार पार्टी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी बच्चों की पार्टी जो है पॉटलक टाइप है आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप चाहें, मैं सिर्फ आपको 4-5-6 रेसिपीज़ जो हैं वो बताने वाली हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे तो उन लोगों के लिए मैंने ये पार्टी होस्ट की थी। लाइक बहुत सिंपल सा खाना है, बिल्कुल फैमिली फ्रेंड्स हैं तो कोई बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, और बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी रेसिपीज़ जो हैं वो इनसे बन के तैयार होती हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग। पहले की हुई तैयारियों में सबसे पहले है मिठाई, और ये है गुलाब जामुन। इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर है, दिवाली प्रिपरेशन की जो वीडियो थी मैंने उसमें शेयर की थी, मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे इससे बनके तैयार होते हैं गुलाब जामुन। इसके अलावा ये 2 कंटेनर है दही के, ये मैंने अभी आधा घंटा पहले जो है निकाल कर रख लिए थे बाहर, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। कुकिंग में जब आप यूज़ करते हैं दही को तो अगर वो रूम टेम्परेचर पे हो तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ फिर कर्डल होने का डर रहता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले से कुक करके रखी है, लाइक वाइट राइस है, ये मांड उतारकर पानी उतारकर जो चावल बनाते हैं वो मैंने बनाकर रखे हैं। साथ ही यहाँ पर 2 कप मैंने साबुत उड़द उबाल कर रखे हैं दाल मखनी के लिए। और यहाँ पर है मिक्स वेज, इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी चैनल पर है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई थिंक हरियाली तीज वाला जो व्लॉग है उसमें मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी, और इसकी मैं इसको मॉडिफाई करने वाली हूँ, कुछ और बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने ये पहले बना के रख दी थी सुबह। और उससे जो है जो सब्जी अब मैं इसकी फाइनल जो बनाने वाली हूँ उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये चीज़ें मैंने पहले से कुक करके रखी हैं। इसके अलावा मैंने जो भी मुझे बर्तन चाहिए कुकिंग में वो सब मैंने निकाल कर पहले ही रख दिए हैं, तो मैं एक साथ सारी चीज़ें बना सकती हूँ और बहुत ईजी रहता है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें चॉप करके रख ली हैं पहले से ही, ताकि ईजी रहे मुझे कुकिंग में। और शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पर है ये भुना मसाला, ये रेडीमेड पैक आता है और हर एक जगह मिल जाता है, इसमें बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, तो मैं ये लाई हूँ और मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ पर
चार पांच टमाटर हैं और दो ग्रीन चिली हैं और थोड़ा सा जिंजर है, वो मैंने काट कर ब्लेंडर में डाल दिए हैं, बस मुझे पीसने हैं। और एक ये पैकेट फ्रोजन भिंडी का है, आप चाहें तो फ्रेश ले सकते हैं, वो मैंने अच्छे से वॉश करके इस तरह से काट लिए हैं। यहाँ पर कैप्सिकम है, बेल पेपर, शिमला मिर्च येलो और रेड, इनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं उसमें काट कर रख लिया है। साथ ही यहाँ पर दो बिग साइज के जो अनियन हैं उनको मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है मैनुअल चॉपर में। और यहाँ पर है ये पनीर, इसके छोटे छोटे क्यूब्स काट दिए हैं। दो प्याज मैंने मीडियम साइज की यहाँ काट कर रखी हैं, कुछ स्लाइस किए हैं मैंने और कुछ मैंने क्यूब्स में काटी हैं। और कुछ टमाटर जो हैं वो मैंने उधर मोटे मोटे काट के रखे हैं, ग्रीन चिली होंगी चार पांच उसमें। और उधर मैंने 2 चम्मच बेसन जो है वो थोड़े से पानी में घोल के रखा हुआ है। तो अभी इस चॉपिंग से आपको अंदाजा नहीं होगा कि क्या क्या बन रहा है, लेकिन जो जितनी भी मैं चार पाँच रेसिपी बनाने वाली हूँ उन सब में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और इस टोटल प्रिपरेशन में मुझे 45 मिनट्स लगे हैं वो चीजें कुक करने में और ये सारी चॉपिंग करने में। और इसके बाद अब कुकिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन चढ़ाया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है उसमें मैंने जीरा डाल दिया है और जो अनियन हमने क्यूब करके रखी हुई थी मोटी मोटी काट के वो मैंने शामिल कर दी है। तो कुकिंग पार्ट जो है हमारा वो अराउंड 1 आवर का होगा और प्री प्रेप जो थी वो 45 मिनट्स की। अगर आप हद से हद भी लगाएं तो 2 घंटे में 10-12 आदमियों का खाना जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही प्याज मेरी हल्की सी ही भुनी है मैंने धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद जो ये 3-4 टमाटर मैंने बड़े बड़े काट के रखे हुए थे ये भी मैंने शामिल कर दिए हैं। और अनियन को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना था, हल्का सा ही करना था। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बाकी सॉल्ट हम थोड़ा सा बाद में भी डालेंगे। अभी बस मैंने गैस को कम कर दिया, इसको कवर करके रख दिया है। जब तक वो भून रहे हैं तब तक मैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ मूव करूंगी। तो मैंने यहाँ पर वॉक चढ़ाई है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके बाद मैंने इसमें जीरा शामिल कर दिया है 1 चम्मच के करीब। अब मैं इसमें डालूंगी अपनी स्लाइस्ड अनियन और इनको मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूंगी। और जैसे ही ये हल्की सी आपकी गोल्डन ब्राउन हो किनारे से, आप इसमें डाल दें धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाला है रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा क्या 1 चम्मच के करीब होगा। और ये कश्मीरी रेड चिली है, इन ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है शिमला मिर्च येलो और रेड वाली जो मैंने छोटी छोटी काट के रखी हुई थी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर दूंगी और अब इनको जो है मैं अच्छे से हिलाकर ताकि सारा मसाला इनके ऊपर कोट हो जाए मैं इनको रख दूंगी। साथ ही मैंने यहाँ पर हैंडफुल किशमिश ली है और हैंडफुल ही मैंने यहाँ पर कैश्यूज लिए हैं। कुछ लोग इन चीज़ों को फ्राई करके भी डालते हैं लेकिन मैं इसी तरह से ऐड करती हूँ तो क्रंच इनके अंदर बना रहता है और ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाती हैं। इसके बाद आप इसको कवर करके छोड़ दें 1-2 मिनट के लिए। इधर हम अपनी ये वाली रेसिपी जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, टमाटर गल चुके हैं, प्याज भी गल चुकी है, तो ये ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर रेडी है और ये हमें जो है ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए। तो इसके बाद अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी और उसके बाद मैं इसको पीस लूंगी। इधर आकर देख लेते हैं, इस रेसिपी में हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से डन हो चुकी है। क्रंच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गल जाए, ये मशी हो जाए, तो क्रंच सा इनके अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर जो है वो मसाला जो मैंने आपको कैन दिखाया था कोरमा मसाला, वो मैंने एक बड़े बोल में निकाल लिया है और मैंने यहाँ पर तकरीबन 250 ग्राम्स के करीब, या ये मान लें कि बड़ा सा 1 कप भर के मैंने इसमें दही का ऐड किया है और इन चीज़ों को अब मैं अच्छे से मिला लूँगी। कुछ लोग सिर्फ उसी सॉस से भी बना लेते हैं लेकिन मैं दही ऐड करती हूँ तो उससे मीठापन जो सॉस का होता है वो कम हो जाता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इधर हमारी जो ये सब्जियां हैं, कैश्यू हैं, किशमिश हैं, ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इनमें अब मैं अपनी जो मिक्स वेजिटेबल मैंने बनाकर रखी थी, इसमें है आलू, गोभी, मटर, गाजर, आपके पास बीन्स हो तो आप बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी उस दिन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने इसके अंदर मिला दी हैं। और आप चाहें तो फ्रेश भी बना सकते हैं लेकिन अगर आप 2-3 घंटे पहले इस मिक्स वेज को बनाकर रख दें और उसके बाद इस रेसिपी में यूज़ करें तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा।
और जैसे ही ये सब्जी हल्की सी वार्म अप हो, उसके बाद जो हमने रेडीमेड मसाला जो था जिसमें दही हमने मिलाई थी वो आप इसके अंदर शामिल कर दें, और इसके बाद आप इसको जो है वो चलाते रहें, और इस पॉइंट पर आपको इसको लगातार स्टिर करना है, अदरवाइज जो योगर्ट होती है, दही होती है, उसके फटने के थोड़े से चांसेस हो जाते हैं, लेकिन अगर आप लगातार चलाते रहेंगे मीडियम हीट पर तो वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। और अब यहाँ देख सकते हैं आपके कितना अच्छा सा इसका प्रिटी कलर आया है। अब आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना पानी डालना है, आपको ग्रेवी इसकी थिन रखनी है या आपको थिक रखनी है। मेरे हिसाब से इतनी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, जो राइस के साथ भी खाई जा सके और पराठे के साथ भी। अब मैं इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। इधर मैंने दूसरा पैन चढ़ाया है और उसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून, बल्कि 2 से ज़्यादा ही होगा, 2.5 के करीब होगा, बटर डाला है, स्प्रेडेबल बटर, आप घी भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा मैंने उसमें हींग डाला है, और साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा वो ऐड कर दिया है। और जीरा जैसे ही आपका भुनेगा, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी अनियंस जो मैंने मैनुअल चॉपर में फाइनली चॉप करके रखी थी, और आधी मैंने उसमें से यूज़ की है, आधी फिर मैं अपनी जो मेरी एक और रेसिपी है मैं उसमें यूज़ करूँगी। तो फिर अनियन को आप रख दें थोड़ा सा भुनने के लिए। इधर जो आपका वेजिटेबल कोरमा है इसको आप बीच बीच में चलाते रहें, और ताकि ऐसा ना हो कि सारी सब्जियां नीचे बैठ जाएं। और इधर हमारी जो प्याज है वो अच्छे से भुन चुकी हैं, उसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है और हल्दी पाउडर डाला है, और इनको बिल्कुल हल्का सा ही रोस्ट किया है। इसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक की फ्रोज़न क्यूब ऐड कर दी है, और साथ ही जो टमाटर मैंने ब्लेंडर में काट के रखे थे 3-4 टमाटर और ग्रीन चिली के साथ, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था और वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इस मसाले को आपको अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका बटर बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए। और इधर जो हमारा वेजिटेबल कोरमा है वो ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है, जो भी दही और सॉस का जो फ्लेवर था वो सारी सब्जियों में बिल्कुल अच्छे से रच बस गया है, और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। इधर हमारा मसाला जो है वो भी ऑलमोस्ट भुन के तैयार हो चुका है। इस टाइम पर अब मैं इसमें डाल दूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिससे कि कलर इसका और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाए, और ये है हॉट करी पाउडर। अगर ये हो आपके पास तो आप ये डाल दें, या कोई और करी पाउडर हो वो डाल लें, या फिर सिर्फ थोड़ा सा गर्म मसाला आप इस स्टेज पर डाल दें तो इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा वो बढ़ा देता है। कपल ऑफ सेकंड्स के लिए आप इसको भून लें, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस कपल ऑफ सेकंड्स आर मोर देन इनफ, और इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, और साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो भी ऐड कर दिया है, जितना इस मसाले के लिए ज़रूरत है, आई थिंक 1/2 टीस्पून के करीब मैंने डाला होगा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही इस पानी में अच्छे से बॉयल आएगा, इसके बाद हम इसमें अपने जो साबुत उड़द हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, जो मैंने पहले से बॉयल किए थे और उनमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला था, तो इसीलिए मैंने मसाले के हिसाब का इसमें डाला था सॉल्ट, क्योंकि उड़द जो है उनमें ऑलरेडी था। और ये साबुत माश भी बोल सकते हैं शायद इसको, क्योंकि माश की दाल होती है, तो ये साबुत उड़द या साबुत माश व्हाटएवर तो वो है। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बेटर हो जाए राइस से खाने के लायक। और अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए, हीट को आप मीडियम कर दें। अब मूव करते हैं हम अपनी अगली रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है एक पैन में, और थोड़ा सा मैंने इसमें रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, और ये है वो टमाटर प्याज का पेस्ट जो हमने सबसे पहले भूना था, वो ठंडा हो गया था, मैंने उसको अच्छे से पीस लिया है। और कश्मीरी रेड चिली मैंने इसमें बाद में इसलिए डाला है दोबारा तड़का लगाते हुए, ताकि इसमें कलर अच्छा आए। और अब यहाँ पर जो हमारी दाल मखनी है वो भी अच्छे से बॉयल हो रही है, लेकिन अभी अच्छे से पकी नहीं है, क्योंकि आप इसमें फ्रोथ देख सकते हैं, झाग देख सकते हैं, जब तक झाग उसके नहीं जाएंगे तब तक वो सही नहीं पकी है। इधर जो हमारी ये रेसिपी है, यहाँ पर ये भी ऑलमोस्ट मसाला जो है सब कुछ भुना भुनाया था, कुछ ज़्यादा नहीं करना था, तो वो हल्का सा ही ड्राई हुआ था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें फ्रोजन मटर। आप चाहें तो फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, तो फ्रेश अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप डालें और थोड़ा सा और पानी डाल दें, या फिर उनको पहले से बॉयल करके रख लें, तो जो भी आपको इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है और अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तब तक इसमें अच्छा सा बॉयल ना आ जाए।
इधर जो हमारी दाल मखनी है वो अच्छे से बिल्कुल पक चुकी है। आप देख सकते हैं झाग सारे उसके चले गए हैं, तो इसका मतलब पानी अच्छे से पक चुका है और इसकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर है ये सिंगल क्रीम, मलाई हो आप मलाई को हल्का सा फैट के डाल दें, क्रीम हो तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर रिजल्ट होते हैं, लेकिन मलाई जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम सा ही रिजल्ट देती है। और क्रीम डालने के बाद आपको इसको लगातार चलाना है और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है और कलर भी इसका चेंज हो गया है। इधर हमारी जो मटर है वो भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना पनीर। और ये मटर पनीर की सब्जी बन रही है। मटर पनीर की मैंने एक बार पहले भी शेयर की थी, मैं उस रेसिपी का भी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर दाल मखनी भी हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है, इसको आप चला लें अच्छे से और इसके बाद बस आप इसको बंद कर दें और कवर कर दें। तो ऑलमोस्ट हमारी 3 चीज़ें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। तो अब मैंने पैन जो है वो चेंज कर दिया है, मैंने उसे पीछे छोटे चूल्हे पर रख दिया है और यहाँ पर मैंने बड़ी वाली अपनी कढ़ाई जो है वो चढ़ा दी है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और 3-4 रेड चिली जो होती है ड्राइड वाली वो मैंने तोड़ कर डाल दी है और थोड़ा सा मैंने उसमें हींग डाला है। और जैसे ये चीज़ें भुनी है मैंने 1 चम्मच इसमें मेथी सीड्स के डाल दिए हैं, फेनिग्रीक सीड्स, और जो अनियन चॉप करके रखी थी बारीक बारीक वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इनको अब मैं अच्छे से भून लूंगी और जो अनियन है आपकी वो हल्की सी बस गोल्डन ब्राउन हो जानी चाहिए। साथ ही मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का फ्रोजन क्यूब जो है वो ऐड कर दिया है। इसकी रेसिपी मील प्लान पार्ट 3 में है, आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। इधर मटर पनीर हमारा जो है वो भी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है पिछले 3-4 मिनट से, तो हमारी मटर पनीर की सब्जी भी बिल्कुल तैयार है यहाँ पर। और अनियन भी मेरी बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। इसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन। और मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो आधा आधा चम्मच के करीब इसमें डाली हैं और इनको फिर आप अच्छे से जो है वो भून लें और इसके बाद आप इसमें ऐड कर दें भिंडी, ओकरा, लेडीज फिंगर। और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी, इट वाज लाइक हिट इन द गेट टुगेदर, जब फ्रेंड्स आए मेरे तो उनको ये बहुत अच्छी लगी और ये मैंने बहुत सारी बनाई थी एंड ये ऑन द स्पॉट जो थी वो फिनिश भी हो गई थी, सबको बहुत पसंद आई। इसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्ट डाल दिया है भिंडी के हिसाब से, जितनी भिंडियों को ज़रूरत है बस उतना ही कि वो अच्छे से गल जाएं। इसके बाद मैं इसको कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पर जो मैंने 2 चम्मच बेसन पानी में घोल कर रखा था उस बेसन में अब मैं जो दही है मेरी 2 कप के करीब होगी वो दही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको अब बिल्कुल हमें स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। एक कप के करीब मैंने इसमें अब पानी ऐड कर दिया है ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए और इसको डालने के बाद फिर मैं बाद में देखूंगी कि और पानी की ज़रूरत है या नहीं है। यहाँ पर अब हम भिंडी को एक बार चेक कर लेते हैं, तो मैं इसको एक बार चला दूंगी और क्योंकि ये फ्रोजन भिंडी है तो ये विद इन 2-3 मिनट्स ही बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं, क्योंकि पार्बॉयल्ड होती हैं पहले से कुक होती हैं थोड़ी बहुत, फ्रेश होती हैं तो थोड़ा और टाइम लग जाता है, लेकिन एक्चुअल में जब आप फ्रोजन भिंडी बनाते हैं तो वो 2-3 मिनट में ही डन हो जाती है। और भिंडी मेरी बिल्कुल डन थी तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है अपना दही, दही बेसन का जो मिक्सचर था वो, और इसमें थोड़े से पानी की ज़रूरत और पड़ेगी अदरवाइज फिर ये बहुत थिक हो जाएगा। और वो क्लिप शायद मिस हो गई जब मैंने इसमें पानी डाला था, तभी डाल दिया था मैंने थोड़ा सा, और साथ साथ मैं इसको चलाती रही हूँ और आपको इसको लगातार चलाना है जब तक कि बॉयल ना आ जाए, और जब बॉयल आ जाए उसके बाद आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट को ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब डाला है, टोटल सॉल्ट जो है वो 1.5 चम्मच है, आधा चम्मच पहले डाला था और 1 चम्मच बाद में। और जब अच्छे से बॉयल आ जाए इसमें, ये 2-3 मिनट पक जाए, तब आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें और थोड़े से आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल दें। रेड चिली फ्लेक्स का जो टेस्ट है
वो औसम आता है। और कढ़ी जब तक चटपटी ना बने उसका टेस्ट नहीं आता है। तो उधर कढ़ी जो है मेरी अब वो पकती रहेगी 10-15 मिनट तक मीडियम हीट पर, और तभी वो कढ़ी कहलाई जाएगी। इधर मैंने दूसरा पैन चढ़ाया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, बे लीव्स डाले हैं, तेज पत्ता, और मैंने डाल दिया है जीरा 1 चम्मच। और जैसे ही वो सारी चीज़ें भुनी हैं, मैंने उसमें बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है, लाइक पिंच के करीब होगी। और साथ ही मैंने यहाँ पर 1.5 कप के करीब बासमती राइस जो है वो भिगो कर रख दिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पर 2 कलर के राइस बना रही हूँ। तो ये मेरे येलो राइस बन रहे हैं, और वाइट राइस मैंने पहले कुक करके रख दिए थे, और बाद में मैं इन दोनों राइस को कंबाइन कर दूंगी। तो जब आपके चावल बन के तैयार होते हैं, जब आप एक साथ प्लेट में लगाते हैं, तो एक चावल आपका येलो होता है, कुछ चावल आपके वाइट होते हैं, और वो देखने में बहुत अपीलिंग लगते हैं। सॉल्ट भी डाला है मैंने राइस में, और उनको अब मैं खुला ही पकने दूंगी, और पानी उतार कर जो चावल बनते हैं वो मैं तैयार करूंगी। तो इधर कढ़ी जो है मेरी वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, और राइस जो है मेरा वो भी ऑलमोस्ट पक चुका है। तो अब मैं हीट बंद करके उसको मैं छान कर रख दूंगी। और ये है वाइट राइस, ये मैं इसके ऊपर अभी ऐसे ही स्प्रेड कर दूंगी, क्योंकि जो येलो राइस है वो गर्म है अभी, तो उनकी स्टीम से जो ये वाइट राइस हैं ये भी थोड़े से गर्म हो जाएंगे, और इनके अंदर भी जो है वो फ्लेवर आ जाएगा। और इनको मैं फिलहाल ऐसे ही रख दूंगी, और जब मैं प्लेट में सर्व करूंगी तब मैं इनको मिला लूंगी। तो कुछ चावल सफेद रहेंगे और कुछ येलो रहेंगे। तो ये देखिए, मेहमानों के आने से पहले सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। पनीर तैयार है, गुलाब जामुन तैयार है, वेजिटेबल कोरमा, कढ़ी, दाल मखनी, राइस, एवरीथिंग इज़ रेडी। और जैसे ही वो आएंगे गरम करके सर्व कर दूंगी। मैंने यहाँ पर आटा बनाकर रख लिया है, रोटियाँ जो है मैं तभी गरम गरम बनाऊंगी, रोटियाँ बनाकर नहीं रखूंगी फिर इतनी अच्छी नहीं लगती। किचन मैंने अच्छे से साफ कर दिया है अपना, सारी स्मेल जो है वो घर से जा चुकी है खाने की, तो फिर आप भी बहुत फ्रीली जो है वो फील करते हैं। इधर मैंने प्लेट्स निकाल कर रख दी हैं, सर्विंग डिशेस जो हैं वो सब निकाल दी हैं, स्पून्स निकाल कर रख दी हैं, ताकि मेहमानों के सामने मुझे इधर उधर भागदौड़ी ना करनी पड़े कि कहाँ क्या रखा है। सैलेड काट दी है, और सैलेड का जो क्रेडिट है वो हस्बैंड को जाता है, उन्होंने काटी है सैलेड। और यस, ऑलमोस्ट जो मेरी तैयारी है मेहमानों के लिए वो सारी हो चुकी है, और वही ये हमारी आज की डिनर टेबल है। सारी चीज़ें इस तरह से सर्व की थी। तो यहाँ पर है राइस, और अगर आई डोंट नो ढंग से दिखाई देगा नहीं देगा, और यहाँ पर चारों की चारों डिशेस जो है हमारी, दाल मखनी, मटर पनीर, भिंडी कढ़ी और वेजिटेबल कोरमा, और साथ में फ्राइड मिर्ची, गुलाब जामुन। तो यही थी आज की, और इसमें ये नहीं कहूँगी कि इसमें 60 मिनट्स ही मुझको लगे हैं बनाने में, लेकिन हाँ 10-12 लोगों का खाना जो है वो बस जो है वो 2 घंटे में बन के तैयार हुआ है, और उन 2 घंटों को मैंने डिवाइड किया है, 1 घंटा प्रिपरेशन का और 1 घंटा मेन कुकिंग का। दैट्स इट। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ आइडिया मिला होगा, एक साथ मल्टीटास्किंग करने का थोड़ा बहुत भी आइडिया इधर उधर हुआ होगा। थोड़ी सी प्री प्रेप अगर आप पहले कर लें तो आप एक साथ 50 लोगों का खाना बहुत ईजीली बना सकते हैं, क्योंकि मैं यूजुअली मेरी बेटी के बर्थडे पर इसी तरह करती हूँ, मैं थोड़ी प्री प्रेप पहले कर लेती हूँ, तो एकदम से फिर आप 3-4 सब्जियाँ जो हैं वो एक साथ बना सकते हैं। सो यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, शायद उनको भी कोई टिप मिल जाए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और आपको क्या और इम्प्रूवमेंट इस वीडियो में चाहिए था, या किस तरह से और मैं कर सकती थी। आप भी अपनी टिप्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, तो जब नॉलेज एक्सचेंज होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप मेरी वीडियो बिना सब्सक्राइब करें देखते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, सब्सक्राइब करें, इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड इट रियली मीन्स अ लॉट। सो फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने दीप सॉलोमन चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, रमदान करीम।